Hey beauties, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा go to affordable college makeup routine that will have you looking fabulous on budget. So let's just quickly start the video. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक अच्छे मॉइस्चराइजर से. एंड मैं ये मॉइस्चराइजर को बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ. आप देख ही सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है. एंड एक मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन केयर में यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड इज की फॉर अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन. एंड एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए बैरियर की तरह भी वर्क करता है. तो आप कभी भी अपनी स्किन केयर में मॉइस्चराइजर को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना. नेक्स्ट अप सनस्क्रीन. एंड सनस्क्रीन में मैं यूज कर रही हूँ अर्थ रिदम की अल्ट्रा डिफेंस सनस्क्रीन. Protecting your skin from harmful UV rays is essential even on those busy college days. Sunscreen not only shield your skin but also double up as a great base for your makeup. And sunscreen में जरूरी नहीं है कि आप three finger rule ही अपनाएं. जितना requirement हो आप उतनी ही sunscreen use करें. ज़्यादा overdo करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. Now let's prep our canvas with a primer. And primer के लिए मैं use कर रही हूँ Sugar Cosmetics का 2-in-1 moisturizing primer. अगर आप moisturizer नहीं लगा रहे हो तो आप उसकी जगह पे इसको use कर सकते हो. This primer soothes our skin and help your makeup last all day long. Just a perfect option for those back to school classes and study sessions. उसके बाद हम use करेंगे concealer. And concealer में मैं use कर रही हूँ Swiss Beauty का concealer. And इसके मैं ज़्यादा amount नहीं लूँगी because I don't feel confident enough in wearing makeup. Concealer की थोड़ी सी quantity लेके ही मैं अपने face का जो T area है वहाँ वहाँ इसको apply करूँगी. एंड ये जो कंसीलर है वो इतना ज्यादा वायरल एंड साथ ही में अफोर्डेबल भी है कि आई एम श्योर कि आपने इसको यूज तो किया ही होगा. एंड कंसीलर को मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी. कोई भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह या ब्रश वगैरह नहीं ले रही हूँ. एंड फिंगर से मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो लुक है वो ओवरऑल नेचुरल आए. नेक्स्ट टू फिल माई आईब्राउज मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स की आर्क ब्रो पेंसिल. आईब्रोज को फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा आपको ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ओवरडू करोगे तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा. आपको एकदम हल्के हाथों से ही अपनी आईब्रोज को फिल करना है. अच्छे से आईब्रो को फिल करने के बाद मैं इसमें जो स्पूली आती है उसी से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी. नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेरा फेवरेट लिप एंड चीक टिंट. ये टिंट बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड हो जाता है, साथ ही में बहुत ही अच्छा सा नेचुरल लुक भी देता है. इसको मैं अच्छे से अपने आईलिड्स एंड चीक्स पे लगा लूंगी फॉर दैट फ्लश्ड एंड नेचुरल लुक. एंड यू कैन सी ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड साथ ही में कितना अच्छा सा ग्लो भी दिया इसने मेरे फेस पे. एंड मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से वो चेकआउट कर लेना. उसके बाद मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर. एंड मैंने ये लिप लाइनर का शेड ऐसा चूज किया है ये किसी भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस के साथ मैच हो जाएगा इजीली. उसके बाद मैं यूज करूंगी ये लिपस्टिक. एंड मैं ये लिपस्टिक इतना ज्यादा यूज करती हूँ कि ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है. इसके ऊपर जो इसका प्रिंट है वो भी सारा उतर चुका है एंड इसी वजह से मुझे इसका जो शेड है वो भी नहीं पता है. बट डोंट वरी, मैं आपको इसके क्लोज शेड वाली लिपस्टिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर. एंड आपको मेकअप फिक्सर को कभी भी एकदम पास से यूज नहीं करना होता है, आपको हमेशा इसको थोड़े डिस्टेंस से ही यूज करना होता है. नाउ ऑन टू द हेयर. एंड हेयर में मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, जस्ट इसको मैं खुला ही रखूंगी. आप चाहो तो कोई अपना फेवरेट हेयर स्टाइल कर सकते हैं विच सूट्स यू बेटर. मेरा कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह करने का मन नहीं था तो मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ. नाउ ऑन टू द ज्वेलरी. मैं यूज कर रही हूँ मेरे सबसे फेवरेट वाले हूप्स. एंड मैं डेली बेसिस पे ज्यादा इसी को पहनती हूँ बिकॉज मुझे ये ज्यादा सूट करते हैं. एंड बिकॉज मैं अपने बालों को खुला ही रख रही थी इसलिए मैंने लगाया ये ट्रेसेमे का ग्लॉस सीरम. इसको लगाने से मेरे बाल पूरे दिन सॉफ्ट एंड शाइनी रहेंगे. उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये प्लम गुडनेस का परफ्यूम. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा वार्म वनीला टाइप सी है तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है. सो दैट वाज माय फाइनल लुक. कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा. एंड लास्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.